ये आलिशान घर नगर निगम के एक मामूली कर्मचारी का है, उस कर्मचारी का जो नगर निगम में बेलदार के पद पर तैनात है, जिसकी सैलरी भी बहुत मामूली होती है। लेकिन जब लोकायुक्त की टीम इस घर में छापेमारी के लिए पहुंची, तो टीम में शामिल अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। टू व्हीलर गाड़ियां जिसमें बुलेट भी शामिल है, और थ्री जो फोर व्हीलर गाड़ियां उसमें एक्सयूवी, होंडा सिटी और वेलिस जीप जो है मिली है। सर कितने टाइम से पदस्थ है नगर निगम में? ये 98 से नगर निगम में पदस्थ हैं। लगभग 18,000 रुपये इनकी सैलरी है पर मंथ अभी वर्तमान में। और जो है अभी जिस घर में रह रहे हैं इसका इंटीरियर बड़ा आलीशान है, जो G+1 बना हुआ है, ऊपर एक पूरा होम थिएटर बनाया हुआ है इन्होंने, और जो उसका इंटीरियर देख के लग रहा है कि काफ़ी अच्छे से उसको बना के इन्वेस्ट किया हुआ पैसा उसमें। सर इसके अलावा यहीं इसी कॉलोनी में 112/1 इसका जो 3 मंजिला मकान जो है मिला है, एक जो है फ्लैट की भी जानकारी थी, वो भी जो है मिला है, किराए से दे रखा है इन्होंने, उसी के तहत अभी सारी कार्रवाइयाँ जारी हैं। घर के सभी कमरों में एसी लगे हुए थे। छापेमारी के दौरान लोकायुक्त की टीम को असलम खान के घर से 15 लाख रुपए कैश, 2 किलोग्राम सोना और 25 संपत्तियों में निवेश के कागजात मिले, जिसकी संपत्ति करोड़ों रुपयों में आंकी जा रही है। लोकायुक्त विभाग की टीम फिलहाल संपत्ति का ब्यौरा जुटा रही है।